काम है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जी। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से गदर 2 कमबैक करते हुए सिनेमाघर में दिखाई दे रही है और आज गदर 2 को सिनेमाघर में 57 दिन हो चुका है, उसके बावजूद भी गदर 2 बम्पर कमाई कर रही है और आज कल के फिल्म ज्यादा से ज्यादा एक महीने तक सिनेमाघर में चलती है। जो पठान थी 37 दिन तक चली थी, जो शाहरुख खान की जो सुपर डुपर हिट मूवी हुई थी, मगर ये सोचिए यह गदर 2 है और गदर 2 को अब 2 महीना होने वाला है, उसके बावजूद भी सिनेमाघर में गदर 2 के लिए जोरदार भीड़ लग रही है। और आपको बता दूं कि 57वां दिन जो गदर 2 ने कमाई किया है वो 56वां दिन का रिकॉर्ड तोड़कर 6.8 करोड़ का बिजनेस किया है। जी हां दोस्तों, शायद ही कोई फिल्म होगी जो कि एक महीने के बाद लगातार उसकी कमाई बढ़ती जा रही है। शुरुआती दिनों में जब से जवान मूवी आई थी इसकी कमाई पूरी तरह से गिर गई थी, 0.5 करोड़ यानी कि आधा करोड़ कमा रही थी, मगर एकाएक यहां पे जवान की कमाई पूरी तरह से गिर के जीरो हो चुकी है और एक बार फिर से गदर 2 ने इतिहास रच दिया है। उसकी लगातार कमाई बढ़ती जा रही है तो इससे साफ साफ ये समझ लीजिए कि जवान का खेल खत्म है। अब बहुत ही जल्द आपको जवान फिल्म सिनेमाघर में देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि गदर ने एक डे से 57 डे में कितना कितना कमाई किया है ये भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपको यह बताऊंगा कि जो शाहरुख खान की जवान फिल्म आई है वो एक डे से 27 डे में कितना कितना कमाई किया है, और आज 27वां दिन जो कमाई किया उसे देखकर आप कहेंगे कि शाहरुख खान की बोलती बंद हो चुकी है। और कोई ऐसी फिल्म नहीं सोचे थे शाहरुख खान ने कि ये जो जवान फिल्म आने वाली है जो कि मात्र एक महीने तक भी नहीं चल पाएगी सिनेमाघर में। हालांकि शुरुआती दौर में जो जवान की जो क्रेज था उससे दर्शक पूरी तरह से जोश और जुनून से जवान मूवी को देखने के लिए सिनेमाघर में जा रहे थे, मगर धीरे धीरे इसकी कमाई पूरी तरह से गिर चुकी है और आज 27 दिन जो कमाई किया है उससे हमको नहीं लगता है कि और कल से परसों के बीच में जवान को सिनेमाघर में रखा जाएगा। दोस्तों आप ही देख लीजिए, पहला वीक में गदा ने 284.63 करोड़ और वही जवान ने 286 करोड़ ही कमाया था। दूसरा वीक में गदर ने 134 करोड़ कमाया, जवान ने 88.66 करोड़ की कमाई किया था। उसके बाद जब यह फिल्म तीसरा सप्ताह में पहुंचती है तो यहां पे देख लीजिए कि गदर ने 63.35 करोड़, जवान ने 34.81 करोड़ कमाई किया था, यानी इसकी कमाई पूरी तरह से आधा हो गई थी। वही जब चौथा वीक में पहुंचता है तो गदर ने 27.55 करोड़ कमाया और जवान ने 22.8 करोड़ ही कमाई किया है। तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों फिल्म में बड़ा फिल्म कौन है। इससे साफ जाहिर है कि बड़ा फिल्म है वो गदर 2 है, और जो लोग गदर 2 को देख के आ रहे हैं वो सिनेमाघर के बाहर निकलते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी फिल्म बनाना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर देशभक्ति भावना जागेगा। और आजकल जीतने भी फिल्म आ रही है, देशभक्ति फिल्म आ रही है, चाहे गदर हो, चाहे जवान हो, चाहे पठान हो, हर एक फिल्म जो सुपर डुपर हिट हो रही है वो है देशभक्ति। और आपको बता दूं कि हर साल भारत में लगभग 1800 फिल्म बनाई जाती है, मगर कोई कोई ही फिल्म इतिहास रहती है, कोई कोई फिल्म ही अधिक से अधिक कमाई करती है। ऐसे में 2023 के तीन बड़ी फिल्म है, पहला है पठान, दूसरा है गदर 2 और तीसरा है जवान। ये तीनों फिल्म देशभक्ति फिल्म है और यही कारण है कि देशभक्ति फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है। दोस्तों अब यहां पे मैं आपको जवान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता देता हूं। यहां पे 14वां दिन 9.4 करोड़ कमाया किया था, 15वां दिन 7.95 करोड़ कमाई किया था, 16वां दिन 7.61 करोड़ की कमाई किया था, 17वां दिन 12.25 करोड़ की कमाई किया था, 18वां दिन 14.95 करोड़ की कमाई किया था, 19वां दिन 5.45 करोड़ की कमाई किया था, 20वां दिन 4.86 करोड़ की कमाई किया था और 21वां दिन 4.84 करोड़ की कमाई किया था। और देखिए 22वां दिन 5.97 करोड़ कमाया, 23वां दिन 5.05 करोड़ कमाया और 24वां दिन 8.46 करोड़ कमाया और 25वां दिन 9.38 करोड़ कमाया। ये कमाने का इसलिए ज्यादा कमाया क्योंकि इस दिन संडे था, मगर इसके बाद 25वां दिन, 26वां दिन, 27वां दिन इसकी कमाई 0.25 यानी कि 1 करोड़ से भी अधिक नहीं कमा पा रहा है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को हर व्यक्ति के पास फैलाए, खासकर उनके पास जो शाहरुख खान के फैंस हैं। जब शाहरुख खान के फैंस लगातार चिल्ला रहे थे कि शाहरुख खान के फिल्म जवान ने इतना कमाया है, गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है,
ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए और कहिए कि अब बताइए कि इसमें गदर 2 बड़ा फिल्म है या जवान है। अब पानी का पानी पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो एक टिकट के बदले 5 टिकट 10 टिकट खरीदे थे, ताकि यह दिखाया जाए कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने अधिक से अधिक कमाई किया है। मगर इसकी क्रेज इतना जल्दी गिर जाएगी कोई सोचा भी नहीं था। और मैं तो पहले से ही कह रहा था कि गदर 2 का मुकाबला जवान और शाहरुख खान कभी करने नहीं सकेंगे, क्योंकि भारत की जनता जो है वह अपना पावर जवान और शाहरुख खान को दिखा देगी कि कितना पावर है उनके अंदर, और एक न एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन किसी को यह बात पता नहीं था कि इतना जल्दी इंसाफ होगा और इतना जल्दी जवान गदर 2 से पीछे चल जाएगा और गदर 2 फिर से तबाही और धमाकेदार पोजीशन में सिनेमा घर में एंट्री करेगी। यह बिल्कुल सोच के पार था। मगर एक बड़ी बात आप सभी को बता दो कि गदर 2 को अमेरिका के फिल्म बोर्ड के द्वारा अमेरिका के सिनेमा घर में लगाने की अनुमति मिल गई है, और अब यह फिल्म भारत के साथ साथ अमेरिका को भी झुमाकर रख देगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाकर ही मानेगा। तो दोस्तों, क्या आपको गदर 2 पसंद आया या फिर शाहरुख खान की फिल्म जवान पसंद आई? एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।